कई बार हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में, राइट? और यू फील लाइक पीपल हैव एबेंडन यू, और यू नो यू फील लोनली. एट टाइम्स आई ऑल्सो फील लोनली. आई फील लाइक यू शुड हैव समवन दैट यू कुड टॉक टू और यू कुड रिलेट टू. या फिर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप पे आपका कुछ कहने का मतलब होता है, या फिर वो कुछ यू नो कुछ ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो जो ब्लेम गेम खेलते हैं, जो यू नो जो खुद को विक्टिम बनाते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप ही की सारी गलती है. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. जो भी ऐसे मैनिपुलेटिंग लोग होंगे, आई थिंक कि उससे क्या होता है हमारी लाइफ में और ही और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लाइफ जो होती है वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है. तो अगर हम खुद को 10 जमेलों में फंसाते हैं, खुद को ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को जो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, आप क्योंकि आप एक ओपिनियटेड पर्सन हो, आपका एक ओपिनियन है, ठीक है, और जो नेक्स्ट पर्सन है, आप जब अपनी बात रखते हो उसी के मतलब उसी के पर्सपेक्टिव से, आप जब वो चीज नहीं मतलब आपके एथिक्स के खिलाफ है वो चीज, तो जब आप उसके बिहा पे आप बात करते हो, तो जो अदर पर्सन है, ही इज प्लेइंग द ब्लेम, ही और शी इज प्लेइंग द ब्लेम गेम, प्लेइंग द विक्टिम गेम. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपका जो मेंटल पीस है वो खराब करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको आपको अच्छी चीजें आपको मोटिवेट करते हैं. और आप अगर आपने आप मतलब आप किसी चीज पे अगर बात रखते हैं तो वो समझते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप किस तरीके से वो चीज बोल रहे हो, बिकॉज दे हैव टोल्ड यू समथिंग एंड ऑन दैट बेसिस यू आर गिविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो जो लोग उस चीज को समझे या उस चीज को एज अ विक्टम कार्ड ना खेले और आपकी आपकी चीजों को समझे, आप क्या बताना चाहते हो, आपने किस हवाले से वो चीज बोली थी या वो बात बात की थी, और एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रह के आपके साथ बात करते, तो आई थिंक वैसे लोगों के साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऐसे लोगों के साथ जो आपका मेंटल पीस खराब करते हैं, आपको स्ट्रेस में डालते हैं. ऐसे लोगों के साथ दूर ही रहना जरूरी है. चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, इन लोगों के साथ इनका कुछ नहीं होना है. वो हमेशा ब्लेम गेम खेलेंगे, आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप ही की गलती है. और जब आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी वो लोग भड़क जाएंगे कि ऐसा क्यों है, या फिर मतलब हमारी कोई गलती नहीं है. आपको ऐसा फील कराएंगे कि सिर्फ आप ही की सारी गलती है, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा दूरी रहना चाहिए, अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए. चाहे फिर आपको अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, बट स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल. एंड आई वुड से दैट वी शुड मोर देन वी ट्राई टू रिलाई ऑन पीपल, मोर देन वी ट्राई टू रिलाई ऑन एनी अदर ह्यूमन बींग, इट्स बेटर टू रिलाई ऑन अल्लाह सुबहाना व तआला, टू ट्रस्ट हिम विद होल हार्टेडली. और इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद योर मेकर. बट वेन इट्स मेड, वेन दैट कनेक्शन इज मेड, वेन यू पुट दैट ओके यू आर अ बिलीवर, आपने आपने जो भी किया, आपकी नीयत साफ है, आप जो भी कुछ करते हो वो आपने बिल्कुल सही किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, या फिर आपकी गलती होगी भी, देन यू फॉरगिव द पर्सन एंड यू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस फ्रॉम द अल्लाह सुबहाना व ताला. सो इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला विल फॉरगिव यू. एंड और जो आपको पीस वहां से मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड प्लीज आई वुड से दैट ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो जो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, आपका क्या इंटेंशन होता है, हमेशा उस चीज का गलत मतलब निकालते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं. ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है. हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए जिनका कोई विजन हो, जो आपको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और आपके सही माने में आपके दोस्त है, ना कि ये आपके दोस्त है आपके वेल विशर है, वो आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक स्ट्रेस बहुत बारी हम खुद क्रिएट करते हैं जब हम गलत लोगों के साथ कनेक्टेड होते हो. सो ऑलवेज बी कनेक्टेड विद राइट पीपल, विद पीपल दैट हैव अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क, दैट हैव अ गुड माइंडसेट, जो आपको अच्छा सिखाते हैं और खुद भी अच्छा कर रहे हो, खुद भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और आपको भी अच्छी चीजों के लिए उबारते हो. वैसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए. ओके,
और आपके सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के साथ रहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा आपको एज अ विक्टिम ट्रीट, खुद को एज अ विक्टिम ट्रीट करेंगे और आपको ऐसा बोलेंगे कि आपकी सारी गलती है, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको किन लोगों के साथ उठना बैठना है, बिकॉज पीपल हैव इम्पैक्ट ऑन योर लाइव्स, राइट। आप जिन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे आप भी वैसे ही रहेंगे। सो इट्स बेटर वी चेक कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, और जो भी लोग हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए या फिर ओवरऑल वेलबींग के लिए ठीक नहीं है उनके साथ हम दूरी ही बनाए रखें, ओके। एंड ट्राई टू रिलाई ऑन अल्लाह सुबहाना व तआला एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि लोग तो कितने भी सिर्फ मुझे लग रहा है आपके माँ बाप आपके सही मानने में आपके अपने होते हैं, बाकी लोग तो हमेशा ही आप दिस टाइम दे आर विद यू, नेक्स्ट टाइम दे आर नॉट विद यू, दे हैव सम अदर थिंग टू डू, राइट। दे आर ऑन द अदर साइड, मतलब एनी टाइम टेबल कैन टर्न ओवर। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेस्ट इज टू रिलाई ऑन अल्लाह सुबहाना व तआला, ट्रस्ट हिम विद होल हार्टेडली एंड यू विल बी हैप्पी, एंड बी हैप्पी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। थैंक यू। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक दीज टॉक्स, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर आई एम लाइव और वेन आई एम अपलोडिंग द वीडियो, वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ लव।